गाना बहुत खूबसूरत है और गाना कंपोज किया है हमारे भाई अफसर जी ने, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। और काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी और आज फाइनली हम लोग गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए हैं हमारे भाई और मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन भी हूँ क्योंकि बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। शुरू से ही मुझे इनका म्यूज़िक बहुत पसंद है और आज फाइनली हमने गाना रिकॉर्ड कर दिया है, तो आई एम सो हैप्पी। और बहुत कमाल का गाना है, सैड गाना है, छन से दिल टूट गया, बट लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं डिसाइड एक्चुअली डिसाइड तो म्यूज़िक कंपोज़र करता है कि कौन सा सिंगर रहेगा और कैसा रहेगा, बट अच्छा गाना हमारे सिंगर का जो डिसीजन होता है कि भाई अच्छा गाना हमको मिलना चाहिए और ये गाना बहुत खूबसूरत है। तो थैंक यू कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है जब लोगों का रिस्पॉन्स आता है। और बस मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को जो कितना प्यार दे रही है, आगे भी ऐसे ही प्यार दे रही है। जी जी, ये एक्चुअली ये सैड सिचुएशन है फिल्म के अंदर, फिर ऐश की मुझको आदत है और रहमत जी डायरेक्ट करें, इन्होंने बहुत अच्छी सिचुएशन निकाली इस गाने के लिए। और हम लोगों शुरू से चल रहा था कि ये हम अल्तमश जी से गवाएंगे गाना और फाइनली आज ये हुआ और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, एक और एक प्लेस गाने अपने मुकाम एक छोड़ेगा। जो इनकी फीलिंग है गाने के और जो फील्स के साथ गाना ये गाते हैं वो कमाल है। और गाने के साथ जो ये एक जस्टिफिकेशन करते हैं वो मुझे बोलना चाहिए कि जो नोट्स चाहिए, जो सुर चाहिए, जो फील चाहिए और वर्ड्स की अदायगी जो है वो इनकी कमाल की है, जो आज पब्लिक ने जिसको सराहा है और जो इतना बड़ा मुकाम इनको मिला है। जी नहीं, आज नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि आज ओरिजिनल कंपोजिशन सभी, कुछ दिन पहले कहीं देखा था मैंने कि रहमान साहब ने बोला, यार रहमान साहब ने, कि भाई आजकल कंपोजर्स जो है डर रहे हैं ओरिजिनल कंपोजिशन बनाने में और रिमिक्स और कुछ ना कुछ करके उस तरह कर रहे हैं, परोस रहे हैं, तो बस वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। आज भी टैलेंटेड लोग हैं और कर ही रहे, मार्केट में आ ही रहे, और ये गाना जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ। जी बताइए सर के बारे में। बेसिकली सर तो सबसे पहले कि फ्रेंड है मेरे और बाद में म्यूजिलेटर हैं, तो सर में एक सॉन्ग है जो सैड सॉन्ग है, सर ने सुनाया तो बोला कि जो होता ना कि एक बैठेगा कौन इसमें, तो सबसे पहले जो है अल्तमश भाईजान का नाम आया कि भाईजान ही बैठेंगे इसमें, अदरवाइज और कुछ नहीं, क्योंकि एक लव सॉन्ग भी है जो उसमें भी ये था कि अल्तमश भाईजान से ही करवा सकते हैं इसको, तो सर बोले कि नहीं पहले जो है सैड सॉन्ग करते हैं और बाद में जो है लव सॉन्ग करते हैं। तो एक होता ना कि सॉन्ग सुन के या जो सारी चीज़ें हैं सुन के, तो ये चीज़ सी लव स्टोरी है पूरी फिल्म, और एक होता ना कि छोटा सा जो कि वन साइड लव है पूरी फिल्म। हाँ, 25% कास्टिंग हो गई है, 75% बाकी है क्योंकि प्री प्रोडक्शन चल ही रहा है अभी। हाँ, ये हम लोग दाहोद में करेंगे शूटिंग इसका, और जो सैड सॉन्ग है या जो लव सॉन्ग है ये बैंकॉक में कर रहे हैं, बाकी जो शूटिंग पूरी है वो इंडिया में ही जो है दाहोद में कर रहे हैं गुजरात। इसमें टोटल 5 गाने हैं जिसमें 2 गाने अल्तमश भाईजान के हैं और एक गाना जो है सीरिया मैम से करवा रहे हैं, एक गाना जो है यासिर भाईजान हैं, और जो है 2 और उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ें होता ना कि प्री प्रोडक्शन में जो है सारी चीज़ें डिसाइड हैं। मेरा नाम भाविन शिंदे है, मैं दाहोद से हूँ, स्मॉल टाउन से हूँ, मतलब एक ड्रीम है सबके लिए पिक्चर बनाना, ये मेरे आज हकीकत है। ये अल्तमश भाईजान ने आज तारीख दे दी, बहुत बढ़िया है, और सर हमारे साथ जुड़ गए, मतलब बहुत काम वाली की चीज़ होगी। यही बात है ना, बहुत बहुत शौर सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ अल्तमश भाईजान गा रहे हैं आज हमारा गीत और हमारा एक्सेप्ट किया प्रोजेक्ट, उसके लिए मैं इनका बहुत दिल गुजार, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक डायरेक्टर के तो कोई तारीफ के काबिल नहीं है, उनका काम ही उनकी तारीफ है ऐसा है, और बाकी टीम मेरी आपके सामने है।